पर आज सिक्कों से कम करना जा रही है और सिक्कों सितारगंज के क्षेत्रवासी है वो सोए पड़े हैं। आज इन सिक्कों को अगर नहीं बचाया गया, इन कंपनियों को अगर नहीं रखा गया, तो आने वाले समय में एक सारी कंपनियां यहाँ से चली जाएंगे। तो आज हमारे बीच लाइव न्यूज और मैं उत्तराखंड से अश्वनी दीक्षित, हम खड़े हैं सितारगंज के खटीमा रोड चौराहे पर। मामला क्या है कि आज जाडस वेलनेस कंपनी जो कि सिरपुर में लगी हुई है, लगभग 1200 वर्कर्स उसके यहाँ आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर के चले आ रहे हैं कि भाई हमारी मांगें पूरी करो। 1200 वर्कर हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक जाडस वेलनेस कंपनी ने इनको वहाँ से हटा दिया और कंपनी के बाहर एक चिट चिपका दी कि आज से कंपनी बंद हो चुकी है। उसी दिन से ये लोग प्रोटेस्ट दे रहे हैं, कभी सिटकुल में बैठते हैं, कभी आपके चिंती मजरा चौराहे पर बैठते हैं। आज ये सितारगंज के खटीमा रोड चौराहे पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और इनके सहयोग में यहाँ नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे भी पहुँचे हुए हैं। आज नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को माल्या अर्पण करने के बाद यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे इन वर्करों के साथ में। ये वर्कर लगभग 7 महीने से अपनी मांगों को लगातार मांगते चले आ रहे हैं। इनका कहना कि हमारी मांगों को पूरा करें, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। आपको मेरे सहयोग दिखाएंगे कि ये जितने भी हैं सारे के सारे कंपनी के वर्कर बैठे हुए हैं और कंपनी के वर्कर आप हम इनसे हाल भी लेते हैं कि भाई जी क्या नाम है आपका? अनु कुमार जी, कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? ऊपर से कहीं से कोई सहयोग मिल रहा है? सितारगंज एमपी चौक पर रखा हुआ है ताकि सरकार को हमारी आवाज़ जाए और वो हमारे साथ न्याय करे। वेरी गुड। इनका कहना है कि इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं, 7 महीने हो गए यानी कि 212 दिन हो गए और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। दिन पे दिन परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, बरसात भी है, धूप भी है, छांव भी है, लगे हुए हैं। चेयरमैन सर बैठे हैं नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे, इनका कहना है कि अगर ये बैठे हुए तो हम भी इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे और इनकी मांगों को मनवाने में पूरी हिम्मत के साथ एकजुटता के साथ आगे चलेंगे। दुबे जी, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव टीवी चैनल के अंदर। क्या मामला है कि ये जाडस वेलनेस कंपनी के वर्कर आज यहाँ पर बैठे हुए? आप देखिए, यही बात हमको बहुत टीज कर रही है, यही बात हमको बड़ी खो रही है कि 7 महीने हमको हो गए जो है कि निकाले हुए। 7 महीने से हमारे परिवार 1200 परिवारों को दुर्गति के कगार पर आ गया और आज तक आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, आज तक हमसे आप जैसे पत्रकार और सरकार के लोग आज तक ये पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। हम ये 7 महीने में हमारा मामला ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, हम बाहर आ गए हैं, हमारे घरों के अंदर जो है चूल्हे जलना बंद हो गए, बहुत बुरी दशा से हम लोग गुजर रहे हैं और लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जाडस कंपनी को खोला जाए और हम 1200 परिवारों को दोबारा से रोजगार, 10 साल हमारा गोल्डन पीरियड जो था इन लोगों का और ये बर्बाद कर दिया। एक एक फैक्ट्री से इन लोगों की मेहनत से 4-4 फैक्ट्रियां बना दी गई और उसके बावजूद अब ये कहते रहे हिसाब हो गया। अरे भाई काहे का हिसाब हो गया, तुमने तो यहाँ से डेरा उठाया, कहीं और लेके चलेगा, हम कहाँ चले जाए। तो ये मान लीजिए कि आज इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए मैंने इनको समर्थन दिया है और निश्चित रूप से ये जन आंदोलन है। ये ना जाडस कंपनी के बेरोजगार जो करे गए हैं उनका ही आंदोलन नहीं है, ये हम सबका आंदोलन है। हम सब लोग अगर सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी बंद हो जाएंगी तो हम तो बेकार हो जाएंगे, हमारी जमीन जंगल सब हमारे नष्ट हो गए। इन्होंने बड़े बड़ी जो है कि फैक्ट्रियाँ खोली, आज ऐसे धीरे धीरे चोरी से सब भाग जाएंगे, सारे लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे।
तो फिर हमारे किस काम की होगी? तो ये आंदोलन जन आंदोलन है, सरकार को चेतना चाहिए, प्रशासन को चेतना चाहिए, हमारी मांगों को, इनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा अब इसके गंभीर परिणाम होने वाले हैं। चेयरमैन साहब, जैसे आज यहाँ पर बैठे हुए काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को मांगते चले आ रहे हैं, आगे अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जो होगा वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन होगा बड़ा भयंकर। ये अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन के लोग सुन ले, हरी सुबह महाराणा प्रताप चौक से आज ये कह रहा है, ये अगला कदम बहुत गंभीर होने वाला है, इसलिए चेत लें ये लोग और चेत जाए। और ये हमारे बेरोजगार लोग हैं, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार दे तो रहे नहीं, रोजगारों को बेरोजगार कर देगी नीति कब खत्म होगी भाई? मैं तो इस बात पे कहना चाह रहा हूँ, अन्यथा आप गंभीर परिणाम होने वाले हैं। वेरी गुड। चेयरमैन हरीश दुबे जी का कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अगला जो परिणाम होगा बड़ा ही गंभीर होगा, देखने दिखाने लायक होगा। और हम यहाँ पर थोड़ा वर्करों से भी बात करते हैं कि अभी जानकारी मिली थी चिंती मजरा चौराहे पर भी एक प्रदर्शन किया गया था, वो आप ही के लोगों ने किया था, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया और उन्होंने क्या कहा कि हम आगे आपके साथ कैसे चाहें? उन्होंने कहा तब तक साथ देंगे, वो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो कुछ मजबूती उन्होंने दिखाई कि मजबूत तरीके से आपके साथ चलेंगे। आज आपके साथ यहाँ पे चेयरमैन हरीश दुबे जी बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि अगला कदम हमारा बड़ा ही खतरनाक होगा, तो क्या मामला है? मतलब एक विधायक आने के बाद भी आपको दोबारा फिर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? सरकार को जगाने के लिए हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, विधानसभा कुछ लोग खड़े हो जाए भैया, बोरा जी के पास खड़े हो जाओ लोग, हम आज एक दिन थोड़े लोग खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? रंजना राणा। रंजना राणा जो कि वर्कर रहे हैं उस कंपनी के, जाडर रानस कंपनी के वर्कर्स रहे, इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से जॉब करते चले आ रहे हैं और हम लगातार धरने पर बैठते हैं कभी कहीं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। और इनके साथ जो चेयरमैन बैठे, इनका भी कहना है कि अगला कदम हमारे